माशाल्लाह कितने प्यारे डिज़ाइन, और कितने हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं। रिंग कितनी प्यारी है, ये देखिए ये वाले डिज़ाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खरीद के साथ होंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कहाँ, आज मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ लेके जा रही हूँ। आज मैं आपको मनामा जो मेन बाज़ार है, पुराना बाज़ार, उस उधर लेके जा रही हूँ, गोल्ड बाज़ार में ना, तो उधर मैं लेके जा रही हूँ। मैंने सोचा कि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैं मनामा बाज़ार की मैंने वीडियो नहीं शेयर की, और ना ही मैंने गोल्ड किसी शॉप की शेयर की है। तो आज हम लोग, मैं आपको लेके चलती हूँ कहाँ चले, मनामा में इन बाज़ार में। पहले तो माशाल्लाह इतना रश होता था, चले मैं आपको आज का व्यू भी दिखाती हूँ। आज मौसम माशाल्लाह बरीन का बड़ा अच्छा हुआ है ना, बड़ा मज़े का मौसम हुआ है, मीठी मीठी हवाएं चल रही हैं, और इस मौसम में दिल करता है बाहर निकलने को ना। तो ये देखो मनामा गेट जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदर, काफ़ी अर्सा के बाद हम लोग इधर आए हैं। पहले तो इतना रश होता था इस साइड पे, इतना रश होता था, लेकिन अब नहीं है इतना रश, क्योंकि हम लोग आए भी सुबह के टाइम थे। तकरीबन ये नमाज का टाइम होने वाला है, देखिए ना ये मस्जिद मस्जिद है, तो मस्जिद में जा रही है सब, तो इस टाइम तो ज़्यादा रश कम ही होता है, लेकिन फिर भी पहले होता था, लेकिन अब नहीं इतना रश। जी देखिए ये जहर की नमाज का टाइम हो गया है, और अभी कामत हुई है, जमात खड़ी हो गई है, हम लोग भी चलते हैं और हम देखते हैं हम लोग को किधर पार्किंग की जगह मिलती है, तो फिर हम लोग पार्क करते हैं। पार्किंग की जगह तो इधर मिली थी, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाना था, बाज़ार थोड़ा सा दूर है, इस वजह से फिर इधर नहीं पार्किंग की, और हमें तकरीबन 2 चक्कर लगाने पड़े पार्किंग के लिए। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए पुरानी पुरानी बिल्डिंगें और मनामा पुराना बाज़ार, पहले जब कोई जाता था पाकिस्तान में, तो इतना शॉपिंग करनी, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी लाजम, हर रात को जब किसी ने जाना होता था हमारी फैमिली में से, तो कभी कोई फरमाइश, कभी कोई फरमाइश, कभी ये इधर बाज़ार जाना है, मोहरक बाज़ार जाना है, मनामा बाज़ार जाना है, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, बस बाज़ारों के चक्कर लग जाते थे। लेकिन अभी कोई नहीं इतना, नहीं बाज़ारों के रुख ही नहीं इतना करता, क्योंकि अभी ये मार्केटें ज़्यादा, जब से खुल गई है तो मार्केटों की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया लोगों का, मार्केट में जाते हैं, उधर से सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह से ले कर तो वापस आ जाते हैं, यही ना इसी वजह से ना। तो इधर ना हम लोग एक चक्कर हम लोग लगा चुके हैं, अभी दूसरा चक्कर लगाने लगे हैं, हमें अभी तक पार्किंग नहीं मिली। रश भी इतना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर देखें इस साइड पे ना एक अनैत स्वीट की शॉप भी है, अच्छी है उनकी पाकिस्तानी स्वीट है, तो एक एशियन है, एशियन की तो माशाल्लाह बेस्ट है ना स्वीट, तो हम लोगों ने कोशिश की थी, ट्राई की थी कि इधर हम लोग कहीं गाड़ी पार्किंग की जगह मिली, इसलिए तो 2 चक्कर लगाने पड़ गए, पार्किंग की जगह मिल जाए तो हम लोग इधर से कुछ खाते हैं, लेकिन पार्किंग की जगह नहीं मिली, तो हम लोग फिर आगे चले गए। अभी देखते हैं आगे हमें इधर पार्किंग की जगह मिल जाती है तो फिर हम लोग बाज़ार की तरफ जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और हम लोग देखिए, ये देखिए ये हमें पार्किंग की जगह मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार 2 चक्कर लगाने के बाद हमें पार्किंग की जगह मिल गई। चले ये चलते हैं, ये आर्टिफिशियल शॉप है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है, ये सामने थी तो फिर मैंने आपको सबसे पहले इसका विज़िट करा दिया। ये देखिए मैं बाज़ार का दिखाती हूँ आपको, इतना राशि नहीं। ये देखिए ये जाफरी स्टोर है, ये बड़ा पुराना स्टोर है, इधर से पाकिस्तानी इंडियन हर चीज़ मिल जाती है, देसी चीज़ें सब कुछ मिल जाता है जो आपको चाहिए हो।
ये चांदी की शॉप है, ये गोल्ड की शॉप है, ये देखिए। मैं आपको विजिट कराती हूँ, देखती हूँ मैंने किस शॉप में जाना है। ये भी शॉप है, एक इधर से भी हर चीज़ मिल जाती है, जैसे मैं आपको वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, लेनी भी है हम लोग ने एक दो चीज़। ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है ये देखिए, मैं इधर खड़े होकर मैं देख रही थी मैं किस शॉप में मैं जाऊँ ना, तो इधर तो आदमी थे एक दो, तो इधर फिर मैंने नहीं कोशिश की, मैंने बोला नहीं इधर नहीं जाते ना, अभी रश बिल्कुल नहीं है। नहीं तो पहले हम कभी आते थे ना कुछ चीज़ लेने के लिए ना, पहले तो गोल्ड भी ज़्यादा सस्ता होता था तो ले लेते थे, लेकिन अभी तो गोल्ड का आज का तो रेट काफ़ी हाई था ना। मैंने ये दो शॉपों को देखो, अभी मैं इस शॉप में जाती हूँ। मौसम ऐसा अच्छा मौसम हो तो फिर बाहर निकलने को दिल करता है और घूमने को भी दिल करता है। तो मेरा काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको गोल्ड की शॉप का विज़िट कराऊं, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन आए हुए थे, कुछ शॉपों पे तो बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। और इस शॉप में मैं घुसी थी और मैंने देखा कि बैंगल के मैं डिज़ाइन देखती हूँ, तो कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं थे, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं, बस दो मैं निकलवा के आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए ये डिज़ाइन भी इतना नया नया नहीं था, पुराने डिज़ाइन था, और वज़न इतना इसका बहुत कम था, तकरीबन 8 ग्राम और 9 ग्राम के बीच था इसका वज़न, और देखने में ऐसी लग रही थी जैसे काफ़ी हैवी है, लेकिन इतनी हैवी नहीं थी, नॉर्मली था इसका वज़न। ये देखिए एक ये भी था, ये भी देखने में लग रही थी काफ़ी हैवी है, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा वज़न था, इसका तकरीबन 10 ग्राम के करीब था एक का ना, ये 2.25 की थी और 10 ग्राम के करीब था वज़न इसका, और दूसरी जो है ना वो बस नॉर्मल ही था डिज़ाइन। तो फिर हम लोग उधर से निकले और मैंने ये आपको पहले दिखाया ना, ये डिज़ाइन मुझे बड़े इनके पसंद आए थे ना, लेकिन है भी काफ़ी हैवी थे ना वो, देखने के लिए ये सही थे। देखिए ना जारी लेते हैं, जिन्होंने लेना है वो लेते ही हैं। ये देखिए ये बड़ा बड़ा डिज़ाइन था, और रिंगों के डिज़ाइन इस शॉप में बड़े प्यारे थे, मैं आपको वो दिखाती हूँ, अंदर चलती हूँ मैं विजिट कराती हूँ आपको। सोना तो जारी किसको नहीं पसंद आता, हर किसी को पसंद आता है, लेकिन अभी ये सोने को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है ना। ये देखिए ये डिज़ाइन मुझे कड़ों के बड़े प्यारे अच्छे लगे थे ना जी, इसका एक का वेट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने करवाया था एक का, अभी पहले तो नहीं लिखा होता, अभी तो सब हर पे उन्होंने वेट लिखा होता है कितना वेट है और कितने का है, क्योंकि वज़न नहीं करना पड़े ना, तो 22 या 24 ग्राम था, 24 ग्राम के बीच था इनका वज़न, और ये तकरीबन 700 दिनार के बन रहे थे एक कड़ा, 700 दिनार का। क्योंकि 24.2 का था 1 ग्राम पर ग्राम जो है वो इसकी प्राइस थी आज के रेट की। एक टाइम था कि 33 ग्राम का 10 ग्राम था, 33 दिनार का बस, अभी तो 1 ग्राम जा 1 ग्राम। ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है सारा वज़न भी, और साथ में क्या 22 कैरेट का, ये मुझे गोल्ड मार्केट में लेके गई हूँ ना मनामा में आपको, ये 22 कैरेट की है सारा ना, ये जो शॉपी है ना इधर 22 कैरेट की है, 21 कैरेट का भी है उधर डिज़ाइन, 21 के डिज़ाइन बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन जो है ना वो ज़्यादातर 22 को ही पसंद करते हैं ना।
जी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके लिए नई नई वीडियो लेके आने के लिए। देखिए ये कड़े मुझे पसंद आए थे बहुत, लेकिन देखने के हद तक बहुत प्यारे थे ना। चलिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हमारे नसीब में हम लोग ज़रूर लेंगे। चलिए ये रिंगों के डिज़ाइन बड़े प्यारे थे ना, ये रिंगे देख ना मुझे अम्मी मेरी का टाइम याद आ गया, क्योंकि अम्मी मेरे के पास थे ये ऐसे वाले बड़ी वाली रिंग, और ऊपर रेड कलर का था उनके नाग, ये जो दरमियान में इधर तो सारा गोल्ड किया ना, तो रेड कलर का नाग था। और ये रिंगे इनमें से मैंने एक देखी थी, मैंने पहनी भी है, बड़ी प्यारी 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 भी बड़ी लग रही थी, वो हैवी बड़ी हैवी रिंगे हैं ये वाली ना। ये देखें ये मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगा था, और ये तकरीबन इसकी प्राइस थी 250, यानी कि 250 दिनार की थी इसकी प्राइस, तकरीबन बन रहे हैं पूरे 2 लाख रुपया पाकिस्तानी, ऐसे ज़्यादा ही बन रहे होंगे ना। मैंने सोचा मैं आई हूँ तो मैं आपको विज़िट कराती चलूँ, ये सारी चीज़ें ब्रेसलेट और ये सारे। ये देखने में भी हैवी लग रही है, उन्हें हैं भी हैवी देंगे आजकल, ये डिज़ाइन बड़े नवे हैं ना। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो डिज़ाइन है ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, हल्के से डिज़ाइन है, ये आम पहनने के लिए, ये बड़े प्यारे भी लगते हैं नफीस से, ये डिज़ाइन बड़े प्यारे लगे थे मुझे, ये दो है ना बहुत प्यारे लगे थे, ये पहनने पता ही नहीं चलता ना, तो वेट भी सही था, नॉर्मल था, इतना हैवी वेट नहीं था ना, तो वो पहनने में भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी प्यारे लगते हैं नाजक से। चलिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और अपने लिए दूसरों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, दुआएं बेलोस होती हैं, दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो लोग दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं खुशियाँ उन्हीं के दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। दुआ कीजिएगा, दुआ लीजिएगा, अल्लाह ताला आपके खानों में मेरे खानों में आपके रिज़्क में इजाफा अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी औलाद को मेरी औलाद को नेक बनाए, और माँ बाप की आँखों की ठंडक बनाए। इसी के साथ मैं आप सबसे जा चाहती हूँ, अगली वीडियो भी बड़ी मज़े की होने वाली है, ज़रूर देखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।